आज की इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट के बारे में कि एक्चुअल में कैटरेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कैटरेक्ट को कॉज करते हैं और गाइस यहाँ पर कैटरेक्ट के कंडीशन में क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं और कैटरेक्ट के कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कैटरेक्ट क्या होता है। गाइस जो कैटरेक्ट है ये आइस के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसका एक डिजीज़ है। ओके, यहाँ पर कैटरेक्ट के कंडीशन में होता क्या है कि जो आइस के अंदर जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो जो लेंस होता है उसमें वाइट और क्लाउडी हो जाता है। लेंस जो होता है वो वाइट और क्लाउडी हो जाता है या फिर कह सकते हैं कि जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस हो जाती है, जिसके कारण लेंस के अंदर से जो लाइट है वो क्रॉस नहीं कर पाती है या फिर कह सकते हैं लाइट क्रॉस करने में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके कारण जो क्लाइंट को दिखाई देना कम हो जाता है या फिर दिखाई देना कम्प्लीटली बंद हो जाता है। और यहाँ पर जो कैटरेक्ट होता है ब्लाइंडनेस को भी कॉज करता है। ओके, तो इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट की, जो कैटरेक्ट होता है कितने टाइप्स का होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट क्या होता है कि ऐसा कैटरेक्ट जो जन्म के साथ ही आता है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसका बर्थ हुआ है कैटरेक्ट के साथ ही। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर माल फॉर्मेशन हो गया या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से कैटरेक्ट हो जाता है, तो मतलब ऐसा कैटरेक्ट जो बर्थ के साथ ही आता है उसको बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड होता है वो एक्वायर्ड कैटरेक्ट होता है। एक्वायर्ड कैटरेक्ट के अंदर कई सारे कैटरेक्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जो है वो सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट को हम एज रिलेटेड कैटरेक्ट भी बोलते हैं। एज रिलेटेड कैटरेक्ट में क्या होता है कि आफ्टर 65 ईयर एज के बाद जो है इन कैटरेक्ट के जो केसेस हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर 65 ईयर के बाद जो है जो लेंस होता है उसमें ओपेसिटी आने लगती है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट या फिर एज रिलेटेड कैटरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट में क्या होता है कि ये अगर कैटरेक्ट किसी ट्रॉमा की वजह से हुई, कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया आइज में या कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से अगर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है वो है सेकेंडरी कैटरेक्ट या फिर कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। ओके, सेकेंडरी कैटरेक्ट में क्या होता है कि अगर आइस के अंदर कोई अदर डिजीज़ है, आइस के अंदर कोई अदर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अदर प्रॉब्लम के कारण अगर जो है कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कैटरेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर एक होता है मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। मेटाबॉलिक कैटरेक्ट में क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर कोई बायोकेमिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर एक होता है टॉक्सिक कैटरेक्ट। टॉक्सिक कैटरेक्ट में क्या होता है कि अगर कई सारे ड्रग्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, अगर उन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है जिसके कारण यहाँ पर कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। कई सारे ड्रग्स होते हैं जैसे कि थायजाइड्स होते हैं जो डायरोटिक्स होते हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स होते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं ये भी जो है कैटरेक्ट को कॉज करते हैं, इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कैटरेक्ट को कॉज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कॉजेज की, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कैटरेक्ट को कॉज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एज रिलेटेड, एज में क्या होता है कि आफ्टर 65 ईयर के बाद जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है लॉस होने लगती है और उसमें ओपेसिटी आने लगती है, जिसके कारण कैटरेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में क्या होता है कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी जो है कैटरेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टाइम से हीट एक्सपोजर के कांटेक्ट में आ रहे हो या फिर नेक्स्ट यहाँ पर अल्ट्रा वाइल्ड रेज के कांटेक्ट में अगर आ रहे हो तो उस कंडीशन में भी कैटरेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारी मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि थायजाइड्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है ये भी कैटरेक्ट को कॉज करती है। और यहाँ पर अगर आइस के अंदर कोई अदर डिजीज़ है, कोई अदर इंट्राकुलर डिजीज़ है जिसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। तो गाइस ये कुछ कॉजेज़ हैं जो कैटरेक्ट को
कॉज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की कि कैटरेक्ट के कंडीशन में क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट में ब्लरी विजन देखने को मिलेगा, जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर लेंस जो होता है वो ओपेसिटी हो जाता है, लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में लॉस ऑफ विजन देखने को मिलता है। लॉस ऑफ विजन का मतलब यहाँ पर कंप्लीटली विजन लॉस हो सकता है या फिर जो है पार्शियली विजन लॉस हो सकता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर पुअर विजन एट नाइट, उसको नाइट में कम दिखाई देगा, ओके। और यहाँ पे जो डिक्रीज कलर परसेप्शन, मतलब उसको कलर परसेप्शन में प्रॉब्लम होगी कि जो कलर है वो कौन सा कलर है, इसमें उसको पहचानने में आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी होगी। और यहाँ पर पेशेंट में फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। फोटोफोबिया में क्या होता है कि उसको लाइट में जाने से डर लगेगा, इचिंग होगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में लाइट स्केटिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पर ब्लर्ड इमेजेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो भी कोई इमेज अगर देखेगा तो उसको ब्लर दिखाई देगा, ओके। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो कैटरेक्ट के कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कैटरेक्ट के कंडीशन में करवाए जाते हैं जिनसे हम कैटरेक्ट के कंडीशन का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर हम ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं। जो ऑप्थेल्मोस्कोपी होता है ये डॉक्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक होता है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो आइस के जो फ्रंट साइड से उसके स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लेंस और रेटिना का पेन लाइट एग्जामिनेशन किया जाता है, ओके। और यहाँ पर जो है रेटिनोस्कोपी किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, कुछ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हैं जिनसे हम कैटरेक्ट के कंडीशन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं लास्ट में ट्रीटमेंट की कि कैटरेक्ट के कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। गाइस यहाँ पर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेडिसिन के थ्रू, कोई भी ड्रग के थ्रू कैटरेक्ट को क्योर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, कई सारी सर्जरीज होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सर्जरी है वो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ये एक सर्जरी होती है, इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड लेंस होता है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है और यहाँ पर न्यू लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऐसा ही सर्जरी होती है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, जो भी अफेक्टेड लेंस होता है उसको रिमूव किया जाता है और न्यू लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सर्जरी होती है फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो लेंस होता है उसको इमल्सिफाई किया जाता है, मतलब उसको लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विफाई करने के बाद आइज में एक स्मॉल इंसीजन दिया जाता है और इंसीजन देने के बाद उस लेंस को रिमूव कर दिया जाता है, एस्पिरेट कर लिया जाता है। तो ये भी जो है एस्पिरेट करने के बाद एक न्यू जो है इसमें इंट्राऑक्युलर जो लेंस होता है वो इम्प्लांट किया जाता है। तो गाइस ये कुछ सर्जरीज हैं जो कैटरेक्ट के कंडीशन में परफॉर्म की जाती हैं। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।